GTA 6 के ट्रेलर के रिलीज होने में अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना हम एक विश लिस्ट बनाएं कि आखिर गेम के अंदर मैं क्या क्या चीजें देखना चाहता हूँ। वेल गाइज, आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करो। अगर ट्रेलर से पहले टाइम मिला तो मैं सबके कमेंट्स को कंबाइन करके इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें आप सभी के कमेंट्स को डिस्प्ले करके एक मेगा वीडियो बनाई जाएगी। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर मैं सब्सक्राइब कहता हूँ तो सब्सक्राइब का बटन ग्लो करता है। इसका मतलब है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। लेट्स एम फॉर 600 लाइक्स। 6 स्टार वांटेड लेवल। पुराने 3D यूनिवर्स के गेम में 5 स्टार वांटेड लेवल नहीं बल्कि 6 स्टार वांटेड लेवल देखने मिलता है। काफी लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जो HD यूनिवर्स के गेम्स हैं उनमें 6 स्टार वांटेड लेवल है ही नहीं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लेटेस्ट GTA गेम से क्यों रिमूव कर दिया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये GTA 6 के अंदर वापस आ जाए। फिर मेरी तरह बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि GTA 6 के अंदर टॉमी वापस आ जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3D यूनिवर्स के कैरेक्टर्स HD यूनिवर्स में नहीं आ सकते। फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम हमें टॉमी का कोई पोस्टर या फिर कोई ईस्टर एग मिले, जिसे देखने के बाद पुराने GTA फैंस खुश हो जाएं। वर्सेटी एस्टेट। अब मैं GTA वाइस सिटी के पुराने सारे लैंडमार्क्स देखना चाहता हूं। जैसे कि गेम के अंदर वर्सेटी एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, और ये मेंशन तो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसे गेम में आना तो जरूर बनता है। मालिबू क्लब, ये भी वाइस सिटी में एक ऐसी लोकेशन है जहां हम अपना काफी सारा टाइम स्पेंड करते थे। मालिबू क्लब की इंस्पिरेशन थी बेबीलोन क्लब, जिसे ओरिजिनली स्कारफेस मूवी और गेम में दिखाया गया था, तो इसे भी वापस आना चाहिए GTA 6 में। मोर इंटीरियर्स। GTA 4 में बहुत से इंटीरियर्स थे, जैसे कि हॉस्पिटल, बोलिंग एलीज और म्यूजियम्स। GTA 5 में इतने इंटीरियर्स नहीं है जितने कि GTA 4 में है। ये डाउनग्रेड मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि रॉकस्टार गेम्स ने GTA 5 को इंटीरियर्स के मामले में डाउनग्रेड कर दिया। आई होप GTA 6 में ऐसा ना हो। ड्यूअल वील्डिंग। कुछ गेम्स में हमारे कैरेक्टर्स गन्स ड्यूअल वील्ड कर सकते हैं, मतलब कि आप दोनों हाथों से गन्स चला सकते हो। सैन एंड्रियास में जब स्किल्स बढ़ जाते हैं तो दोनों हाथों से गन्स चलाना पॉसिबल था, और ये फीचर मैक्स पेन जैसे गेम्स में भी है। आई होप कि ये नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में भी आ जाए। फैट स्किनी और RPG एलिमेंट्स। GTA सैन एंड्रियास में हम ज्यादा खाने से मोटे हो सकते हैं या कम खाने पर पतले, ऐसे RPG एलिमेंट्स होने ही चाहिए GTA 6 में। और RDR 2 के भी RPG एलिमेंट्स को ऐड करना चाहिए, जैसे कि हमारी बियर्ड बढ़ती रहे जिसे ट्रिम करवाना पड़े, अगर आपके कपड़े गंदे हो जाए तो हमें शावर लेना पड़े, और आपको डेली लाइफ एक्टिविटीज भी फॉलो करनी हो। मिनी गेम्स GTA 5 में थोड़े कम थे। GTA 4 में बोलिंग, GTA सैन एंड्रियास में पूल और जिम्स भी होते थे। ये सब पता नहीं क्यों GTA 5 में ऐड नहीं किए गए। वेल, आई होप ये GTA 6 में आ जाए। बाइंग बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज। गेम की इकोनॉमी बेटर होनी चाहिए। गेम में आप चोरी करो, पैसे कमाओ, लेकिन उसका यूज तभी होगा जब आप घर या फिर बिजनेसेस बाय कर सकोगे। ओरिजिनल वाइस सिटी में ऐसा होता था जहां हम अलग अलग बिजनेसेस बाय करके मिशंस भी करते थे और अपना खुद का एम्पायर बनाते थे। इस फीचर को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया वाइस सिटी स्टोरीज में, जहां पर आप बिजनेसेस को कैप्चर कर सकते थे। तो आई रियली होप कि ये फीचर वापस आ जाए, और कम से कम हमें घर तो बाय करने का ऑप्शन मिल ही जाए भाई। रिक्रूटिंग गैंग मेंबर्स। सैन एंड्रियास में और इवन वाई सिटी में आप गैंग मेंबर्स को रिक्रूट करके कहीं भी फाइट पर ले जा सकते हो, जो हमारी हेल्प भी करते हैं दूसरे गैंग मेंबर्स या फिर पुलिस वालों से फाइट करने में। ये फीचर GTA 5 में मिसिंग था, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई ये वापस आ जाए। बाय ड्रग्स ऑन लो एंड सेल देम फॉर हाई। गेम में ऐसे मिशंस होने चाहिए जहां हमें पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बाय और सेल करने पड़े। ऑलमोस्ट सभी GTA गेम्स में हम ड्रग्स बेच चुके हैं, लेकिन वो तो हमेशा किसी मिशन के अंदर ही हुआ करता था। इस फीचर को साइड एक्टिविटी में भी ऐड करना चाहिए, जिससे गेम बोरिंग नहीं होगा। बाय द वे, ये फीचर चाइनाटाउन वार्ड्स में एग्जिस्ट करता है। चोरी फीचर फ्रॉम RDR 2। अब गेम के अंदर हमें चोरी करने का भी फीचर मिलना चाहिए, सिमिलर टू RDR 2। RDR में हम किसी के भी घर के अंदर घुसकर चोरी कर सकते हैं, और वहां पे हमें काफी यूजफुल और खाने पीने की भी चीजें मिल जाती हैं, जिसे आप चाहो तो यूज करो या फिर उसे सेल कर दो। तो ये फीचर हम लोगों ने ऑलरेडी लीक गेम प्ले में देख ही लिया था, तो आई थिंक ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ इंटीरियर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंटीरियर्स नहीं होंगे तो भाई चोरी कहां करने जाओगे। चीट कोड्स। सारे GTA गेम्स में हमेशा चीट कोड्स रहे हैं, चाहे वो GTA 5 ही क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि GTA 6 में भी चीट कोड्स वापस आने चाहिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि GTA 6 के अंदर चीट कोड्स नहीं होंगे, क्योंकि ये एक हाइब्रिड गेम होने वाला है, यानी कि इसका सिंगल प्लेयर और ऑनलाइन वर्जन दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं, तो यहाँ पे चीट कोड्स के गेम के अंदर होने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। लेकिन अगर ये एक हाइब्रिड गेम होता है तो इसका मतलब ये है कि गेम के अंदर मॉडिंग भी नहीं हो पाएगी। वेल, देखते हैं ट्रेलर आने पे क्या पता चलता है। कस्टमाइजेशन। जब बात आती है कार कस्टमाइजेशन की, तो सारे GTA गेम्स इसमें बहुत ही पीछे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कार कस्टमाइजेशन तो भाई बढ़िया से ऐड कर लें ये लोग। कम से कम बेसिक ऑप्शंस तो होने चाहिए, जैसे कि फ्रंट बम्पर या फिर स्पॉयलर्स में ज्यादा वैरायटी। मैं NFS या फिर फोर्जा लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं मांग रहा, बस बेयर मिनिमम चाहिए। और भाई नाइट्रॉक्स का क्या हुआ, वो तो GTA सैन एंड्रियास के बाद कभी वापस आया ही नहीं गेम में, तो उसे भी वापस आना चाहिए। कस्टमाइजेशन 2.2।
GTA Online में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि GTA 6 ऑनलाइन वर्जन में ये और भी ज्यादा अच्छा हो। मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर कस्टमाइजेशन इतना बढ़िया हो कि हम रियल लाइफ के किसी भी कैरेक्टर का चेहरा अपने गेम के अंदर ही बना पाए, जैसे कि आप CG का चेहरा बना पाओ या फिर टॉमी का। वी नीड ओप्रेसर मार्क 3। हमें नया वर्जन चाहिए ओप्रेसर मार्क 2 का। नहीं भाई, मजाक कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि GTA 6 में कोई भी फ्लाइंग या फिर एलियन व्हीकल्स ना हो, क्योंकि इससे पूरे गेम का रियलिज्म चला जाता है और ये पीसफुल भी नहीं रहता। इंक्रीज्ड लॉबी साइज। GTA 6 के ऑनलाइन का लॉबी साइज बढ़ना चाहिए। अगर गेम का मैप GTA 5 का डबल होने वाला है तो उसे फिल करने के लिए ज्यादा प्लेयर्स भी तो होने चाहिए, इसीलिए लॉबी के साइज को कम से कम 65 या फिर 100 प्लेयर्स का होना चाहिए। फ्लाइंग टू दी अदर सिटीज। अब GTA फैंस का ना हमेशा से एक सपना रहा है कि वो एक सिटी से दूसरे सिटी फ्लाई कर सके, जैसे कि लॉस सैंटोस से लिबर्टी सिटी, लिबर्टी सिटी से वाइस सिटी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। अब मिशंस के अंदर तो हो जाता है, जैसे GTA 5 के अंदर हम नॉर्थ यैंगटन जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहता हूँ GTA 6 के अंदर फाइनली इस चीज को ऐड किया जाए। अगर पुराने लीक्स की माने तो साउथ अमेरिकन सिटीज आने वाले थे GTA 6 में और कुछ छोटे आइलैंड्स भी, तो देखते हैं कि आखिर ये ऐड किए जाते भी हैं फिर नहीं। एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग। GTA 5 में साइड एक्टिविटीज के नाम पर गोल्फ और टेनिस ही था, जो कि शायद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया होगा क्योंकि इसमें उतना मजा आता ही नहीं था। लेकिन GTA 6 के अंदर मेजर पोर्शन होगा बीचेस एंड ओशन, तो मैं चाहता हूँ कि GTA 6 के अंदर और भी एक्टिविटीज हों, जैसे कि स्कीइंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल, सर्फिंग या फिर इवन स्कूबा डाइविंग। और गेम के अंदर एवरग्लेड्स भी आने वाला है, जहाँ पर भाई बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, तो ऐसी भी एक्टिविटी ऐड हो सकती है कि हमें कोई एनिमल पकड़ना हो और उसे ले जाकर किसी कलेक्टर को बेचना हो। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बेटर NPCs। अब गेम के अंदर NPCs भी रियलिस्टिक होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी NPC से बात करूँ तो वो रियलिस्टिक तरीके से मुझे रिप्लाई दे, और अगर हम किसी रैंडम NPC को फॉलो करते हैं तो मुझे ये भी देखना है कि वो जाता कहाँ है। अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी भी NPC को फॉलो करने पे वो अपने घर या फिर जॉब पर जाए तो ये देखने में काफी अच्छा होगा। डिस्ट्रक्टेबल एनवायरनमेंट। अब GTA गेम्स के अंदर आपके पास इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स वगैरह, लेकिन आप एनवायरनमेंट्स को अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये भाई बहुत ही खराब चीज है। अभी तक तो GTA गेम्स में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि GTA 5 भाई 512 MB के डिवाइस के लिए बना था, तो इसीलिए GTA 5 के अंदर डिस्ट्रक्शन हमें उतना बढ़िया नहीं मिलता है। लेकिन भाई GTA 5 तो PS5 जैसे डिवाइसेस के लिए बनाया जा रहा है जिसके अंदर 16 GB की रैम है, तो अब मैं एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन का फीचर देखना चाहूंगा, जो कि रॉकस्टार के लिए उतना मुश्किल भी नहीं होगा ऐड करना। नो हैकर्स प्लीज। GTA 6 के ऑनलाइन वर्जन में हैकिंग से बचने के लिए मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशली PC के लिए। अगर आपको नहीं पता तो रिसेंटली माइकल के जो एक्टर हैं नेड लुक, वो GTA ऑनलाइन खेल रहे थे और उन्हें भी हैकर्स मिल गए गेम के अंदर, जिन्होंने उन्हें बहुत मारा। इनफैक्ट हैकर्स ने नेड लुक की लोकेशन भी डिस्क्लोज कर दी और उनके घर पर स्वॉट टीम को कॉल कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रीम्स भी बंद करना पड़ गया था। तो GTA 6 के ऑनलाइन वर्जन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं देखना चाहूंगा मैं। बाय हाउसेस। गेम में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए, जैसे कि हम हाउसेस, अपार्टमेंट्स या फिर इवन मैंशंस को भी बाय कर सके, जैसा कि हमने ओरिजिनल वाइस सिटी और वाइस सिटी स्टोरीज में देखा था। पॉन शॉप। अब मैं गेम के अंदर पॉन शॉप भी देखना चाहूंगा। अगर जेसन और लूसिया इतनी सारी हाउस रॉबरीज और चोरी वगैरह करते रहते हैं तो उनके पास जो सामान हो वो हम किसी पॉन शॉप में ले जाकर बेच पाए। आई रियली होप कि ऐसा कुछ होना चाहिए गेम में। अगर ऐसा होता है तो फिर भाई बहुत मजा आएगा। पोस्ट गेम मिशंस। GTA 5 में एक बार गेम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, और ये कहीं ना कहीं इंटेंशनल भी था रॉकस्टार गेम्स की तरफ से, क्योंकि वो चाहते थे कि हम GTA ऑनलाइन खेलना स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ GTA 6 के सिंगल प्लेयर को कंप्लीट करने के बाद कैंपेन को कंटिन्यू किया जाए DLCs के थ्रू, मतलब गेम कंप्लीट करने के बाद इसमें नए मिशंस ऐड किए जाए हर 4 से 5 महीने के अंदर, जैसा कि अभी GTA ऑनलाइन के साथ में होता है। नॉट वेरी हाई स्टोरी ओरिएंटेड। अब GTA 5 ना सिंगल प्लेयर में कुछ ज्यादा ही हाईस्ट ओरिएंटेड था, मतलब सिंगल प्लेयर में बस आप हाईस्ट ही करते रह जाते हो पूरे गेम में, फिर जब आप GTA ऑनलाइन खेलते हो तो उसमें भी बस हाईस्ट ही करना होता है हमें। हाँ छोटे मोटे मिशंस हैं, लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो फिर आपको हाईस्ट मिशन ही करना पड़ेगा। तो 10 साल भाई काफी होता है हाईस्ट के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि GTA 6 के अंदर कुछ नए तरीके के मिशंस हो। हाँ थोड़े बहुत हाईस्ट और रॉबरीज वगैरह चलते हैं, लेकिन गेम को कम्प्लीटली हाईस्ट ओरिएंटेड नहीं रखना चाहिए, वरना फिर GTA 6 ऐसा फील होगा कि हम GTA 5 2.0 खेल रहे हैं विद डिफरेंट कैरेक्टर। वेल गाइज, यही था इस वीडियो में, ये थी मेरी विशलिस्ट GTA 6 को लेकर। आप अपना विशलिस्ट कमेंट में लिखो, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। एंड साथ ही में अगर ट्रेलर से पहले टाइम मिलता है तो सारे कमेंट्स को कंबाइन करके इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों के इतने सारे ओपिनियंस होंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ चीजें तो सही हो ही जाएंगी। तो हाँ, कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।